नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सेंट्रल स्क्वायर इनॉग्रेशन टुडे 33/2022। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये लगा लें आप हैंड फ्री, और हैंड को फ्री कर दें आप। ये आप जी, ये मुंजो है। हे गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सेंट्रल स्क्वायर इनॉग्रेशन टुडे 30 मार्च 2022। नहीं
हजार तारे अगर आप खड़ी कर सकते हो पूरा मैदान होगा, बड़ा सा इतना खूबसूरत बना हुआ है यार। वाकई जनाब बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो गया, रोज़ा ख़त्म हो गया, मतलब रोज़ा नहीं फील हो रहा है। अच्छे अच्छे बने बहुत आइकॉनिक था ये देखिए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 400 करोड़ आरआर फिल्म का बजट, आरआर फिल्म का बजट भी है आरआर। लश बना दिया कौन कैंट कश्मीर है ना, ये रहा अच्छा। आप जैसे बता रही हैं ना, आप अक्सर बताती हैं कि नाइट व्यू अलग होता है, तो यहाँ की नाइट व्यू का एक अलग ही लुक होगा, क्योंकि जब लाइटें ऑन हो जाएंगी यहाँ जब लाइटें ऑन हो जाएंगी ना, फिर आपको ये जो ग्रीन ट्री है इस पर लाइट पड़ रही होगी। पढ़े लिखी कौन यार, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं सफाई का, बहुत ज़्यादा। इसे कहते हैं पढ़ी लिखी कौन, पिचकारी का इस्तेमाल यहाँ पे तो लाइटें हैं। पहले मंथ में आपने देखा होगा ना क्या हालात हो जाते हैं, बहुत बड़ा सीरियसली, मैंने इतना बड़ा मुझे भी लग रहा है मैंने रेलवे स्टेशन पहले का, मैं मुझे तो ये सोच के आ रहा है अच्छी लिखे में सहूलत देखिए किसी को एमरजेंसी जरूरत पड़ जाए अच्छा रास्ते लिखते हैं। मैं सोच रहा था लोगों को कैसे पता मिला दो बहुत कितनी सहूलत दी है। विक्टोरिया हॉल कोई भी उसी को विक्टोरिया हॉल को रेनोवेट किया ना, जबरदस्त आर्किटेक्चर ने बहुत बेहतरीन डिजाइन किया। ऊपर देखो हवा की भी नक्काशी हो और हवा का भी एक आपको फील हो, आप उसका फील ना हो और छाँव भी रहे आपकी हर चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं, देखिए तो सही मुसलसल नई सी नई जगह दिखा रहा है बंदा जो वीडियो बना रहा है, मुसलसल न्यू जगह खत्म नहीं हो रहा, मतलब कमाल है। अच्छा अभी आइकॉन इंस्पायर, अच्छा अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो भी रहा है, देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, भाग के जा रहे हैं उनकी ट्रेन छूट गई है, टाइम हो गया। अच्छा वो भी उन्हीं को ले जा रहा है वीडियो में, ये लो वीडियो के साथ बहुत बड़ा, बहुत आप दोबारा वहीं आ गए जहाँ पहले थे मुझे लग रहा है। आप लोगों के कमेंट चाहिए कौन किस किस ने ये देखा है, बहुत आला बहुत बहुत आला, कौन कौन गया होगा ओके जी जनाब बहुत ही आला बहुत ही ज़बरदस्त, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ग्रीनरी और कॉरिडोर्स, अच्छा बहुत बड़ा है बिल्डिंग जो बनी हुई है ना, बिल्डिंग के आसपास का एरिया बहुत बड़ा है, उसको भी कवर किया, उसको कवर किया वहाँ पे किया बड़ी। अच्छा
इसको एक आइकॉनिक प्लेस बना दिया गया है और जाहिर सी बात है इसको बनना भी चाहिए था, नहीं भी बनाते तो ये वैसे भी बनता ही, और ये खुद ही बना है वो इसलिए कि एक तो बहुत बड़ा रकबा और दूसरी बात उस रकबे को ज़ाया नहीं किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है जिसने डिज़ाइन किया है, जिसने बनवाया है, हमें नहीं पता कि किसने बनवाया है, किसके जेरे असर रहा है, किसके जेरे हुकूमत हुआ है, लेकिन अभी इनॉग्रेशन हुआ है ना, इनॉग्रेशन तो अभी हुआ है, लेकिन स्टार्ट कब करा था ये प्रोजेक्ट, तो बहुत पहले पहले से स्टार्ट हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, मोदी जी की गवर्नमेंट में ही हुआ है। मोदी जी ने तो क्या होगा, इस स्टेट में चेन्नई में जो लोग होंगे उनकी बात कर रही हूँ, जो मिनिस्टर्स होंगे, तो मैं कह रही हूँ ऐसा लगता है कि उन्होंने जगह जगह पे बैठ कर कि ये मुझे ये दिक्कत आ रही है तो ये आवाम को भी आएगी तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे धूप आ रही है तो जाहिर सी बात है आवाम और नागरिक को भी आएगी तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये मसला हो रहा है तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ गर्मी हो रही है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ चढ़ने में बहुत मुसीबत हो रही है तो यहाँ पे एलिवेटर्स होने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जिसने बनवाया है उसने जगह जगह बैठ कर देखा है, सोचा है, समझा है, सोच विचार किया है कि जो दिक्कत हमें महसूस हो रही है वो आवाम को ना हो, बिल्कुल हम टोटली उनको ऐसे फैसिलिटेट करें कि एक गिफ्ट की तरह दें इसको कि हर सहूलत हर सुविधा यहाँ पे मौजूद हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप कोई काम करते हो, हमारी नेचर होती है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हम अपना काम बखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे मुझे अपना घर बनवाना है तो मैं बहुत दिल से बनवाऊँगी, बहुत अच्छा बनाऊँगी, लेकिन अगर कोई मुझसे अपना घर बनवाएगा तो मैं लपेटूँगी, निपटा दूँगी, घटिया से घटिया, नाकिस से नाकिस मटेरियल यूज़ करूँगी, घटिया से घटिया कलर्स यूज़ करूँगी, तो ये एक हमारा माइंड सेट है, माइंड मैक है, हमें पता है कि भाई जी अपना काम बहुत अच्छा करना है, सामने वाले का बहुत ख़राब गड़बड़ करनी है। मैं ये सोचती हूँ कि कौन लोग हैं जो ऐसे ऐसे इस तरीके से बनाते हैं, इतना इनोवेट करते हैं, इतना सोच विचार करते हैं, और सिर्फ किसके लिए, सगे, कोई सगे हैं उनके, कोई ऐसा ब्लड रिलेशन, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क की जनता के लिए, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मेरे नसीब की, बहुत बड़ी। आपने एक चीज़ और नोट की थी, डिसेबल लोगों के लिए भी, मतलब है कि व्हीलचेयर का भी, तो कि ना हर जगह को देखा गया कि यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, ये मसला भी आ सकता है, ये प्रॉब्लम, ये रुकावट भी आ सकती है, तो इन सब के ऊपर उन्होंने डिफरेंट तरीके से काम किया। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि शायद जिन लोगों को कहीं आउट ऑफ सिटी नहीं भी जाना वो भी शाम में आ जाते होंगे, करीब तरीन होते होंगे, बच्चे होते होंगे, हमें स्टेशन बन चुका है पूरा, हमें स्टेशन जाना है, हमें घूमना है, स्टेशन घूमने भी आते होंगे। चेन्नई, हमने चेन्नई एक्सप्रेस तो देखी तो उसमें हमें वैसे ही पता चल गया कि चेन्नई अपने बहुत खूबसूरत, चेन्नई वैसे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। अब वहाँ पर अगर आप इस तरीके से लोगों को उनके रेलवे स्टेशन ऐसे बना दोगे, उनकी ब्रिजेज अच्छे बना दोगे, उनके रोड्स, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी कर दोगे, तो आप खुद बताएं कितना परवान चढ़ेंगे वो लोग, कितनी तरक्की करेंगे, फिर टूरिज्म कितना आएगा। जैसे आपने खुद बोला कि जरूरत ना भी हो तो ये ऐसा रेलवे स्टेशन लग रहा है कि दिल इंसान खुद चला जाए, बिला वजह भी, मतलब थोड़ा सा शाम की चाय पीने के लिए यहाँ चले गए किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि आपको पता है हम घरों में रहते हैं बंद कमरों में तो हमारा दिल करता है, अच्छा जाता है। आपने देखा कहीं ऐसे रेस्टोरेंट है बड़े बड़े हाईवे पे बाहर बैठ के लोग तख्तों में, तो क्या है, इतना महंगा खाते हैं हम, थोड़ा सा शहर से बाहर जाते हैं, थोड़ा सा किसी ऐसी खुली जगह पे जाते हैं, वहाँ तख्ते लगे हुए हैं, उससे अच्छा खाना हम घर में बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन क्या है वो इंसान की एनवायरनमेंट, एक माहौल होता है, तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स हैं, सारी चीज़ें होंगी, खाना पीना, चाय कॉफ़ी सब कुछ होगा, तो मेरे घर के करीब हो तो मैं शायद रोज़ाना शाम में जाऊँ, और मैं मुझे किसी से मीटिंग करनी हो, किसी से काम हो, तो मैं कहूँ इधर आ जाओ मिल ले, इधर ही बैठ के मिल, बैठना भी ना हो तो बंदा बुला ले कि चलो बैठ के चाय पी लेते हैं, इतनी देर नहीं आपकी बात करी थी मैंने सीरियसली। तो खैर दोस्तों, मैं बिज़नेस के हवाले से बात कर रहा था, किसी से मीटिंग्स होती हैं, कोई काम होता है, खैर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़बरदस्त लगा, और इसी तरह की जो बराबर में येलो बिल्डिंग थी, सेम कराची में भी इस तरह की बिल्डिंगें हैं, ये सारी जो बरतानिया उस दौर की सारी निशानियाँ, अच्छा हमारी बड़ी बोसीदा हो रही है, वो नहीं है ना मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी हमारी बड़ी बोसीदा हो रही है, मतलब क्रैक्स पड़ रहे हैं उन पे, दिख रहा है मेंटेनेंस, और हमारी वाली को तो देखकर ही लग रहा था वाकई वो अंग्रेजों की दौर की होगी, ये तो ऐसी चमचमा रही है भाई, ये जो रेड वाली है जो स्टेशन की बिल्डिंग है, ये भी उस दौर की है, डिजाइन वही है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसी को बनाया गया है या दोबारा से नई कंस्ट्रक्शन, डिजाइन वही रखा गया है, डिजाइन वही रखा गया, मुझे ऐसा लग रहा है नया नहीं, बिल्कुल जमीन से नए सिरे से बनाई गई है, जमीन बोस तो मुझे नहीं लग रहा कि करके बनाया गया होगा, और वो डिजाइन ले लिया गया हो हमने भी, या फिर उसी को थोड़ा सा सेट किया गया है,
कलर किया गया है, सेट किया गया है, ये आप लोग कमेंट्स के जरिए बताएंगे। और कौन कौन गया है ये लाजमी बताइएगा, और अपना छोटा सा एक लाइन में एक्सपीरियंस भी शेयर करें। हमें आपसे पूछना है, हमें पता करना है कि कितना एंजॉय होता है वहाँ, और वहाँ वाकई शाम में लोग आते हैं क्या चाय वाय पीने, समझ रहे ना। तो दोस्तों दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।